ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज की बाबा की मुरली अपने बच्चों के प्रति है। बच्चे कभी क्या क्या करते हैं, क्या क्या कहते हैं, शिक्षाओं भरी भी है, सावधानी भी दी है और बच्चों को क्या नहीं करना चाहिए वो भी कहा है। और अगर वो बच्चे करते हैं तो बाबा ने उनको टाइटल भी दिए है, जो नहीं करना चाहिए, नहीं कहना चाहिए तो भी कहते और करते हैं, तो उनको क्या टाइटल मिला होगा। आज बाबा ने कहा है कि मेरे बच्चे होकर के भी उन्हें अज्ञान है, तो कौन सा अज्ञान है? सारा ज्ञान हमारे पास है तो भी अज्ञान कौन सा आ जाता है, वो बाबा ने आज बताया। दूसरा, बाबा इतना देही अभिमानी बनाते हैं तो भी चलते चलते बच्चों को दे अभिमान कैसे आ जाता है। तीसरा, बाबा नशा तो चढ़ाते हैं लेकिन बच्चों को वो नशा चढ़ते चढ़ते उल्टा नशा चढ़ जाता है, तो उल्टा नशा कौन सा है वो भी बाबा ने बताया। और चौथी बात, हम कहते भी विनाश काले प्रीत बुद्धि है लेकिन विनाश काले प्रीत बुद्धि बनते बनते बच्चे विपरीत बुद्धि भी बन जाते हैं। तो कैसे विपरीत बुद्धि बनते हैं, उल्टा नशा कैसे चढ़ता है, वे अभिमान कैसे आता है और अज्ञान कैसे है, कुछ कुछ नहीं। तो ये चारों की क्या डेफिनेशन है बच्चों के लिए, दुनिया वालों के लिए नहीं, बच्चों के लिए। दुनिया वालों के लिए ये कैसे है क्यों है वो तो मालूम है, लेकिन बच्चों में भी ये है कमियां और उनको बाबा ये टाइटल दे देते हैं। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य आज 8, 12, 14 है। मीठे बच्चे अपार खुशी व नशे में रहने के लिए देह अभिमान की बीमारी छोड़, देह अभिमान भी बीमारी है, प्रीत बुद्धि बनो, अपनी चलन सुधारो। दो बातें तो इसमें आ गई, अपार खुशी व नशे में रहने के लिए दे अभिमान की बीमारी छोड़, प्रीत बुद्धि बनो, अपनी चलन सुधारो। प्रश्न है, दो बातें तो हेडिंग में आ गई, दे अभिमान और विपरीत बुद्धि। और अभी प्रश्न है, किन बच्चों को ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता है, किन बच्चों को उल्टा नशा चढ़ जाता है वो तो अलग है, नहीं चढ़ सकता है, कितना भी वो आगे बढ़े लेकिन उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता है, तो क्या कहेंगे, किन को उल्टा नशा कभी नहीं चढ़ेगा। जो सदा आत्मिक स्थिति में रहेंगे, जो याद में रहेंगे, जो पढ़ाई पर ध्यान देंगे, बहुत बातें तो है लेकिन आज जो बाबा ने कहा है उत्तर है, जो बाप को यथार्थ जानकर, जो बाप को यथार्थ जानकर याद करते हैं, यथार्थ जानकर जो है जैसा है यथार्थ जानकर याद करते हैं,
दिल से बाप की महिमा करते हैं, जिनका पढ़ाई पर पूरा ध्यान है, उन्हें ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चल सकता। किन पर चढ़ता है उल्टा नशा, या उल्टा नशा कहो या याद में नहीं रह सकते तो नशा चढ़ता उल्टा। जो बाप को साधारण समझते हैं, साधारण ठीक है बाबा कह रहे पर ये कौन कह रहा है, उस रूप में नहीं समझते हैं। जो बाप को साधारण समझते हैं वे बाप को याद कर नहीं सकते, याद नहीं करते। उसकी निशानी क्या है, याद करे तो अपना समाचार जी बाप को अवश्य दे। बच्चे अपना समाचार नहीं देते तो बाप को ख्याल चलता कि बच्चा कहाँ मूर्छित तो नहीं हो गया, ने बाबा को समाचार लिखा, बाबा को समाचार भेजा। चलो अभी तो भले चिट्ठी लिख करके भी कुछ भी बाबा को लिखना है तो लिख करके बाबा के बॉक्स में डाल दो, बाबा तक पहुंच जाएगा। बच्चे अपना समाचार नहीं देते तो बाप को ख्याल चलता कि बच्चा का मूर्छित तो नहीं हो गया। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे जब कोई नया आता है तो उनको पहले हद और बेहद दो बाप का परिचय दो। बेहद का बाबा माना बेहद की आत्माओं का बाप, वो हद का बाप हर एक जीव आत्मा का अलग अलग है। तो ये नॉलेज भी सभी एक रस धारण नहीं करते, बच्चे तो बन गए लेकिन अभी बच्चों पर एक रस नहीं धारण करते ये नॉलेज बच्चे। कोई तो 1%, कोई 95% धारण करते, 95%, कोई तो 1%, 100% बाबा ने नहीं कहा, क्योंकि कुछ तो गुंजाइश है ना। अभी तक जो पूरा कई बातें तो पता नहीं है, वो 95% धारण करते हैं। ये तो समझ की बात है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना होगा ना, तो राजधानी स्थापन हो रही है, कितना ज्ञान जितना धारण करेंगे उस अनुसार पद पाएंगे। राजा रानी तथा प्रजा, प्रजा में सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं, प्रजा माना ही प्रजा, वैरायटी लोग हैं। तो बाप समझाते हैं ये पढ़ाई है, हर एक अपनी बुद्धि अनुसार ही पढ़ते हैं, हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है, जिसमें कल्प पहले जितनी पढ़ाई धारण की है उतनी अब भी करते हैं। पढ़ाई कभी छिपी नहीं रह सकती है, बाकी क्या गुप्त है, पढ़ाई छिपी नहीं रह सकती है। कितना पढ़ते हैं, कितना ज्ञान है, वो छिप नहीं सकता। बाकी गुप्त क्या है, याद, याद गुप्त है। पढ़ाई कभी छिपी नहीं रह सकती है, पढ़ाई अनुसार पद भी मिलता है। बाप ने समझाया है आगे चल इम्तिहान होगा, बिगर इम्तिहान के ट्रांसफर तो हो न सके, और वो अंत का इम्तिहान 1 सेकंड का होगा ना। किस स्थिति में उस समय होंगे, अंत के समय वही इम्तिहान होगा। बिगर इम्तिहान के ट्रांसफर हो न सके तो पिछाड़ी में सब मालूम पड़ेगा, परंतु अभी भी समझ तो सकते हो ना
कि हम किस पद के लायक हैं। कई बार बाबा से पूछते थे, बाबा अभी मैं अगर शरीर छोड़ूं तो मुझे क्या पद मिलेगा। बाबा कहते खुद भी समझ सकते हो, बाबा से क्यों पूछते हो, खुद भी समझ सकते हो। तो बाबा कहते हैं अभी भी, परंतु अभी भी समझ सकते हो हम किस पद के लायक हैं। भल लज्जा के मारे सभी हाथ तो उठा लेते हैं। बाबा पूछते हैं लक्ष्मी नारायण कौन बनेगा, सारे हाथ उठा लेते हैं। परंतु समझ सकते हैं कि ऐसे हम कैसे बन सकते हैं, वो लक्षण तो अभी दिखाई नहीं दे रहे, ऐसे हम कैसे बन सकते, फिर भी हाथ उठा देते हैं। तो फिर भी हाथ उठा देते हैं और पता भी है कि लक्षण नहीं है मेरे में, तो बाबा कहते हैं उसको क्या कहेंगे, अज्ञान। ये है बच्चों में अज्ञान। कौन सा है बच्चों में अज्ञान, कि पता है हम इस लक्ष्मी नारायण बनने के लायक नहीं है तो भी हाथ उठा देते हैं जब बाबा पूछते हैं। तो बाबा कहते वो जो स्कूल कॉलेज में बच्चे पढ़ते वो भी ज्यादा समझदार है। क्यों, अगर किसी स्टूडेंट को कहा जाए कि तुम फर्स्ट नंबर आओ, भाई अभी तो मैं इतनी तैयारी नहीं की है, मैं नहीं कह सकता हूँ मैं फर्स्ट आऊंगा, उसको उनको भी समझ है। और यहाँ बच्चे लायक भी नहीं है तो भी हाथ उठा दे। तो बाबा कहते ये अज्ञान है, तो ये भी अज्ञान ही कहेंगे। बाप तो झट समझ जाते हैं कि इससे तो जाते अकल लौकिक स्टूडेंट्स में होता है। वो समझते तो है ना, हम स्कॉलरशिप के लायक नहीं है, पास नहीं होंगे। वो समझते हैं टीचर जो पढ़ाते हैं उसमें हम कितने मार्क्स लेंगे, तो कितने स्टूडेंट समझते हैं। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि हम पास के डॉनर होंगे, और वो है ही नहीं वो पढ़ाई के लक्षण, और नशा दिखाएंगे हम तो पास के डॉनर होंगे। यहाँ तो कई बच्चों में इतनी भी अकल नहीं है, बेअभिमान बहुत है, बेअभिमान, इसमें भी बेअभिमान। भल आए है देवता बने, परंतु ऐसी चलन भी तो चाहिए ना। तो बाप कहते हैं तो बेअभिमान भी उनमें है, अज्ञान भी उनमें है। आप तीसरी बात क्या कही, बाप कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि कायदे सुर बाप से प्रीत नहीं है। तो कौन हुए विपरीत बुद्धि, कायदे से प्रीत नहीं है बाबा से। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं विनाशकाली विपरीत बुद्धि का यथार्थ अर्थ क्या है। बच्चे ही पूरा नहीं समझ सकते हैं तो फिर वो क्या समझेंगे, बाहर वाले क्या समझेंगे। बच्चे ही पूरा नहीं समझ सकते कि विपरीत बुद्धि हम कैसे बनते हैं। बाप को याद करना ये तो हुई गुप्त बात, पढ़ाई तो गुप्त नहीं है, पढ़ाई में नंबर वार होते हैं, एक जैसा थोड़ी पढ़ते हैं। बाबा समझते हैं अभी तो बेबी है, बेबी है। बाबा को ये शब्द बड़ा अच्छा लगता था, समझो बाबा ने किसको सेवा के लिए कहा है, बच्चे ये करना है ये करना है, और वो बच्चे ने ठीक नहीं किया, तो बाबा के लिए बेबी बुद्धि है, जरा भी नहीं समझा बच्चे ने। बेबी बच्चे को समझा थोड़ी उतना समझेगा, तो बच्चे भी इतने समझदार होते भी नहीं समझते तो बाबा क्या कहेंगे, बेबी बुद्धि। बाबा समझते अभी तो बेबी है, हाँ बच्चा है, छोटा बच्चा। ऐसे बेहद के बाप को तीन तीन चार चार मास याद भी नहीं करते, मालूम कैसे पढ़े कि याद करते हैं। बाप को पत्र तक नहीं लिखते कि बाबा मैं कैसे कैसे चल रहा हूँ, क्या क्या सर्विस करता हूँ। बाप को बच्चों की कितनी फिक्र रहती है कि कहाँ बच्चा मूर्छित तो नहीं हो गया, कहाँ बच्चा मर तो नहीं गया। कोई तो बाबा को कितना अच्छा अच्छा सर्विस समाचार लिखते हैं,
बाबा को बहुत खुशी होती थी जब बच्चों का अच्छा सर्विस समाचार आता था। लेकिन बाबा परख जाते थे पत्रों से, अच्छा समाचार को लेकर कई बच्चे सेवा इतने की और बढ़ा चढ़ा के लिखते थे। तो बाबा कहते थे अभी ये गपोड़ा मार रहा है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, इतने खुश हुए, इतना हुआ। तो बाबा सुनते थे, ईशुदा जी उनको सुनाती थी, बाबा कहते थे ये सब गपोड़ा बोल रहा है, सीधा बाबा कह देते थे। तो बाबा भी समझते हैं, परंतु लिखना तो चाहिए, पर जितना है उतना ही लिखना चाहिए। बाप भी समझते हैं बच्चा जीता है अगर बाबा को लिखते हैं। सर्विस करने वाले बच्चे भी कभी छिप नहीं सकते, न ज्ञान छिप सकता है, न धारणा भी छिप सकती है, न सेवा भी छिप सकती है, योग छिप सकता, पर वो भी इतना नहीं छिप सकता, पता तो चलता है तो अंदर में क्या चला बैठा है योग में, अंदर तो पता नहीं तूफान है तो कैसे पता चले। बाप भी समझते बच्चा जीता है, सर्विस करने वाले बच्चे कभी छिप नहीं सकते। बाप तो हर बच्चे का दिल लेते हैं कि कौन सा बच्चा कैसा है। कईयों के लिए बाबा क्या कहेंगे कि दे अभिमान की बीमारी बहुत कड़ी है, कईयों में होती है, तो बाबा कहेंगे दे अभिमान की बीमारी बहुत कड़ी है। बाबा मुरली में समझाते हैं, डायरेक्ट तो उनको नहीं कहेंगे कि तुम्हारे अंदर दे अभिमान की बीमारी कड़ी है, मुरली में समझा देंगे। कईयों को तो ज्ञान का उल्टा नशा चढ़ जाता है, अभी उल्टा नशा वाले अहंकार आ जाता है, फिर याद भी नहीं करते, पत्र भी नहीं लिखते। बाबा को कितना आता है बच्चे नहीं लिखते, माना अहंकार आ गया, दे अभिमान उल्टा नशा चढ़ गया, पत्र भी नहीं लिखते, तो बाप भी याद कैसे करेंगे। याद से याद मिलती है। अभी तुम बच्चे बाप को यथार्थ जानकर याद करते हो, दिल से महिमा करते हो। कई बच्चे बाप को साधारण समझते हैं इसलिए याद नहीं करते। बाबा कोई भवका आदि थोड़ी दिखाएगा, बाबा बहुत बड़ा शो दिखाएगा, कपड़े ऐसे पहनेगा, वो तो नहीं करेगा बाबा। भगवान वाच, मैं तुम्हें विश्व की राजाई देने के लिए राजयोग सिखलाता हूँ। तुम ऐसे थोड़ी समझते हो कि हम विश्व की बादशाही लेने के लिए बेहद के बाप से पढ़ते हैं। कई बच्चे नहीं समझते, ऐसे समझते बस ये तो जैसे कॉमन है, लेकिन किससे पढ़ रहे और क्या लेने के लिए पढ़ रहे हैं। तुम ऐसे थोड़ी समझते हो कि हम विश्व की बादशाही लेने के लिए बेहद के बाप से पढ़ते हैं। ये नशा अगर हो तो अपार खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे। गीता पढ़ने वाले भल होते हैं। श्री कृष्ण भगवान वाच, मैं राजयोग सिखलाता हूँ, बस इतना ही कह देते हैं। श्री कृष्ण ने कहा मैं राजयोग सिखलाता हूँ, ये कह देंगे बस। उन्हें राजाई पाने की खुशी थोड़ी होगी, चलो श्री कृष्ण ने ऐसे कहा मैं राजयोग सिखाता हूँ, पर मैं तुमको राजयोग सिखा कर राजाओं का राजा बनाता हूँ, ये भी गीता में है, और वो पढ़ करके थोड़ी किसको नशा चढ़ता है। कहाँ राजाओं का राजा बनेंगे, जब गीता पढ़ी पूरा हो गया। गीता पढ़कर पूरी की और गए अपने अपने धंधे धोरी में, लौकिक सत्संगों में। तुमको तो अभी बुद्धि में है कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। उन्हें ऐसा बुद्धि में नहीं आएगा जो गीता बाहर पढ़ते हैं। तो पहले पहले कोई भी आए तो उनको दो बाप का परिचय देना है, बोलो भारत स्वर्ग था, अभी नर्क है, ये कलयुग है, इसे स्वर्ग थोड़ी कहेंगे इस नर्क को। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि सतयुग में भी है कलयुग में भी है, अभी भी कलयुग में अभी भी सतयुग में है बाबा, क्या ऐसे नहीं कहेंगे। किसको दुख मिला तो कहेंगे नर्क में है, किसको सुख है तो कहेंगे स्वर्ग में है,
ऐसे लोग समझते हैं, ऐसे बहुत कहते हैं दुखी मनुष्य नरक में है, हम तो बहुत सुख में बैठे हैं, महल माया मोटर आदि है तो हम तो स्वर्ग में। बाबा कहते हैं वो क्या समझते हैं, गोल्डन एज आयरन एज एक ही बात है, सत्युग कलयुग अलग नहीं, अभी सत्युग अभी कलयुग अभी स्वर्ग अभी नर्क, ऐसे बहुत जो है तो समझते हैं। तो पहले पहले दो बात की बात बुद्धि में बिठानी है, बाप भी खुद अपनी पहचान देते हैं। अब वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है, अपनी पहचान खुद आ करके देते हैं तो आते हैं तो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है, क्या लौकिक बाप को सर्वव्यापी कहेंगे आप? लौकिक बाप भी अपने बच्चे को अपना परिचय देता है ना, तो सर्वव्यापी थोड़ी हुआ। अभी तुम चित्र में दिखाते हो आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक जैसा ही है, तो दोनों दिखाते हैं ना, राज्यों का आधार विद्युत चित्र में दिखाते हैं बाप और बच्चा, तो इंसान बाप है तो बच्चा भी उसका इंसान ही है, वैसे आत्मा और परमात्मा, आत्मा भी ज्योति स्वरूप है परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। आत्मा और परमात्मा का रूप एक जैसा है, उसमें फर्क नहीं है, आत्मा और परमात्मा कोई छोटी बड़ी नहीं है, दोनों का एक जैसा रूप, सभी आत्मा ही है और वो भी आत्मा है, और वो आत्मा सदा परम धाम में रहते हैं इसलिए उन्हें परम आत्मा कहा जाता है। सिर्फ तुम आत्माएं जैसे आती हो, अंतर क्या है आत्मा और परमात्मा में, सिर्फ तुम आत्माएं जैसे आती हो वैसे वो नहीं आता है, ये बहुत बड़ा अंतर है। मैं अंत में इस तन में आकर के प्रवेश करता हूँ, ये बातें कोई बाहर वाला समझ न सके, बात बड़ी सहज है, फर्क सिर्फ इतना ही है, शिव बाबा हमें ज्ञान देते हैं अपना परिचय देते हैं तो दुनिया वाले क्यों मुझे हुए हैं, फर्क सिर्फ इतना ही है जो बाप के बदले वैकुंठवासी कृष्ण का नाम डाल दिया है, क्योंकि उसमें जब आता मैं अव्यक्त रूप में हूँ, मैं पर काया प्रवेश करता हूँ, मूढ़ मति मुझे नहीं समझते हैं, मैं प्रकृति को अधीन करता हूँ, सब गीता में है, तो लोग इसको समझ नहीं पाते कि कृष्ण तो साकार में है, क्या प्रकृति को अधीन करके आया, ये कैसे आया, कुछ भी समझते नहीं। फर्क छोड़ इतना है जो बाप के बदले वैकुंठवासी कृष्ण का नाम डाल दिया है। बाबा कहते क्या कृष्ण ने वैकुंठ से नरक में आकर के राजयोग सिखाया, वैकुंठ में बैठा है और वहां से आकर के नरक में राजयोग सिखाया। अब कृष्ण कैसे कह सकता है कि देश है देह के सब धर्मों को त्याग मामेकम याद करो, श्री कृष्ण कैसे कह सकते, उसको अपनी देह है, देहधारी की याद से पाप कैसे कटेंगे, कृष्ण ये कह भी सकता और कृष्ण को भी याद किया तो भी पाप कैसे कटेंगे, कृष्ण तो एक छोटा बच्चा है और कहां मैं साधारण मनुष्य के वृद्ध तन में आता हूँ, कितना फर्क हो गया, इस एक भूल के कारण सभी मनुष्य पतित कंगाल बन गए हैं, न मैं सर्वव्यापी हूँ और न और कौन सर्वव्यापी है, न कृष्ण सर्वव्यापी है, कई समझे कृष्ण का है सब जगह, कृष्ण 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 सब कृष्ण कृष्ण, बाबा कहते हैं न कृष्ण सर्वव्यापी है न मैं सर्वव्यापी हूँ, बाकी कौन है सर्वव्यापी, हर शरीर में आत्मा सर्वव्यापी है, उसमें फिर माया प्रवेश है वो कहेंगे, हर शरीर में आत्मा सर्वव्यापी है, मुझे तो अपना शरीर भी नहीं है, हर आत्मा को अपना अपना शरीर है, नाम हर एक शरीर पर अलग अलग पड़ता है, न मुझे शरीर है और न मेरे शरीर का कोई नाम है, न उनको अपना शरीर तो अपने शरीर का नाम भी नहीं है, मैं तो बूढ़ा शरीर लेता हूँ तो इनका नाम बदलकर ब्रह्मा रखा है, मेरा तो ब्रह्मा नाम नहीं है,
मुझे तो सदा शिव ही कहते हैं। मैं ही सर्व का सदगति दाता हूँ। आत्मा को सर्व का सदगति दाता नहीं कहेंगे। परमात्मा की कभी दुर्गति होती है क्या? सदगति दाता एक है, वहाँ जरूर किसकी दुर्गति हुई है तो परमात्मा को सदगति देने करने आना पड़ता है। तो परमात्मा की सदगति दुर्गति कभी होती है क्या? आत्मा की ही दुर्गति और आत्मा की ही सदगति होती है। ये सभी बातें विचार सागर मंथन करने की है, नहीं तो दूसरों को कैसे समझाएंगे। परंतु माया ऐसी दुष्कर है जो बच्चों की बुद्धि आगे ही नहीं बढ़ने देती है। दोष माया का, बच्चों की बुद्धि आगे ही नहीं बढ़ने देती है माया। क्यों, क्या करती है माया? दिन भर झरमुई झंगमुई में ही टाइम वेस्ट कर देती है। बाघ से पिछाड़ने के लिए माया कितना फोर्स करती है, से दूर करने के लिए माया कितना फोर्स करती है। फिर कई बच्चे तो टूट पड़ते हैं। बाप को याद न करने से क्या हो जाता है? अवस्था अचल अडोल नहीं बन पाती। बाप घड़ी घड़ी खड़ा करते और माया गिरा देती। बाप कहते कभी हार नहीं खानी है। कल्प कल्प ऐसे होता है, हाँ माया पछाड़ेगी, माया तंग करेगी, गिराने की कोशिश करेगी। कल्प कल्प ऐसा होता है, कोई नई बात नहीं है। हाँ माया जी तो अंत में ही बनी जाएंगे। बाबा को ये भी विश्वास है कि अंत में बच्चे माया जी से बन जाएंगे। अंत में बनेंगे, अभी तो अभी नहीं बन सकते, अंत में ही होंगे। रावण राज्य खलास तो होना ही है, फिर हम नई दुनिया में राज्य करेंगे। कल्प कल्प माया जीत बने हैं, अनगिनत बार नई दुनिया में राज्य किया है। तो बाप कहते हैं बुद्धि को सदा बिजी रखो तो सदा तेज रहेंगे। इसको ही बुद्धि को सेफ कैसे रखेंगे, इसको भी स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। स्वदर्शन चक्र फिराने से बुद्धि सेफ रहेगी। बाकी इसमें हिंसा आदि की तो बात ही नहीं है। ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी होते हैं। देवताओं को स्वदर्शन चक्रधारी नहीं कहेंगे। पतित दुनिया की रस्म रिवाज और देवी देवताओं की रस्म रिवाज में बहुत अंतर है। मृत्यु लोक वाले ही पतित पावन बाप को बुलाते हैं। हम पतितों को आकर के पावन बनाओ, पावन दुनिया में ले चलो। तुम्हारी बुद्धि में है क्या कि आज से 5000 वर्ष पहले नई पावन दुनिया थी, जिसको सतयुग कहा जाता है। त्रेता को नई दुनिया नहीं कहेंगे, त्रेता को नहीं कहेंगे नई दुनिया। तो बाप ने समझाया है सतयुग है फर्स्ट क्लास और त्रेता है सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास है ही दो क्लास, इसलिए आजकल ट्रेनों में थर्ड क्लास है ही नहीं। पहले तो होता था, अभी या तो फर्स्ट क्लास है या सेकंड क्लास है। फिर सेकंड क्लास में श्रेणियां है, अलग अलग श्रेणियां है। तो इसमें फर्स्ट सेकंड क्लास में 3 टायर है, 2 टायर है, ऐसी है। तो बाबा कहते हैं तो एक एक बात अच्छी रीति धारण करनी है, जो जो कोई आकर सुने तो वंदर खाए। कोई कोई वंदर भी खाते हैं, आते हैं ज्ञान सुनते हैं, कहते हैं वंडरफुल नॉलेज, वंदर खाते हैं। परंतु क्या वंदर तो खाते हैं,
परंतु क्या, परंतु फुर्सत नहीं जो पुरुषार्थ करे। ज्ञान बहुत अच्छा है आपका, बहुत अच्छा है, सबको मिलना चाहिए, हमको फुर्सत नहीं। परंतु फुर्सत नहीं जो पुरुषार्थ करे। चलो थोड़ा बहुत चलो आगे सुनते भी हैं, फिर सुनते हैं पवित्र जरूर बनना है तो क्या हो जाता है फिर सुनते हैं पवित्र जरूर बनना है। ये काम विकार ही मनुष्य को पतित बनाता है, उनको जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। अब ये सुनते हैं तो क्या होता है, बाबा कहते हैं परंतु काम विकार तुम्हों की जैसे पूंजी है, जैसे पूंजी होती है ना, अधिकार होता है अपनी संपत्ति पर, तो काम विकार तो जैसे उनकी पूंजी है, उनकी संपत्ति है। इसलिए वो अक्षर नहीं बोलते हैं, ये नहीं कहते मैं काम विकार को कैसे जीतूं। वो आते हैं पूछते हैं कहते हैं, सिर्फ कहते हैं मन को वश में कैसे करें, मन को वश में। मन को वश माना विकारों को जीतना ना, मन वश में क्यों नहीं है, क्योंकि मन इंद्रियों के वश है। एक एक इंद्री के वश होने से एक एक विकार आता है, त्वचा या चर्म स्पर्श तो काम विकार, आंखों का रस है तो क्रोध विकार, जीव का रस है तो लोभ विकार, नाक का रस है तो मोह विकार, कान का रस है तो अहंकार, अहंकार विकार। ये पांच विकार पांचों रसों से निकले, तो वो मन उनमें फंसा हुआ है। तो कैसे मन एकाग्र हो या मन शांत हो, तो बस इतना ही कह दीजिए मन को वश कैसे करे, या वो सन्यासी भी कहेंगे मन को वश करो। लेकिन पूरा मन अमन हो जाए ये कब होगा, अमन एकदम शांत एकदम, वो कब होगा, भगवान कहते जब शरीर ही ना हो। क्योंकि ये पांच इंद्रियां तो शरीर के साथ है ना, जब शरीर ही नहीं होगा तो मन तो वैसे ही पूरा अमन हो जाएगा। बाकी मन अमन तो कभी होता ही नहीं है, क्योंकि वही कहते हैं जाएंगे कहेंगे महात्मा जी मेरा मन अमन कैसे बने, अमन वैसे शांति है पर अमन माना कुछ भी न सोचे, शून्य बन जाए बिल्कुल निर्संकल्प हो जाए, कोई भी सोच न चले, वो कैसे हो। तो सिर्फ कहते हैं मन को हाँ, लेकिन मन अमन तो तब हो जब शरीर में न हो, बाकी मन अमन तो कभी होता ही नहीं है, यानी मन सोचे ही नहीं ये तो होता ही नहीं है, शरीर में है तो सोचेगा। देह मिलती है कर्म करने के लिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे, मन एकदम अमन हो गया मना कर्मातीत बिल्कुल, कर्म बंधन से भी मुक्त, सब सोच से भी मुक्त, कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे। कर्मातीत अवस्था कहा ही जाता है, अब दूसरी बात कर्मातीत अवस्था कहा ही जाता मुर्दे को, क्योंकि मुर्दा माना डेड बॉडी, कोई रोए कोई धोए कोई कुछ करे, मुर्दे को क्या फर्क पड़ता है, तो वो तो जैसे कर्मातीत अवस्था में है। बाबा कहते कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को, यानी कुछ भी सोच न चले, वो तो डेड बॉडी हो गई, कुछ भी सोच नहीं है उसमें। जीते जी मुर्दा अथवा शरीर से डिटैच, ये हमको बनना है, शरीर छोड़ना छोड़ने की बात नहीं है, जीते जी मुर्दा अथवा शरीर से डिटैच। शवासन करते हैं ना तो इसी में से करते हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचे एकदम मुर्दा हो गए। जीते जी मुर्दा अथवा शरीर से डिटैच, बाप तुमको शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। शरीर से आत्मा अलग है, आत्मा परम धाम में रहने वाली है, आत्मा शरीर में आती है तो उसे क्या कहा जाता है, जीवात्मा, उसे मनुष्य कहा जाता है। आत्मा शरीर में होती है तो मनुष्य कहा जाता है। शरीर मिलता ही है कर्म करने के लिए, हमारे सतीश गुप्ता एक अच्छी बात सुनाते हैं, बहुत सीरियस पेशेंट हॉस्पिटल में ले आए, नाम दाखिल हुआ, बहुत सीरियस तुरंत आईसीयू में ले भी गए,
और वही मर गया, माना पहुंचते पहुंचा और मर गया, तो क्या कहेंगे? नाम तो लिखाया उसका और मर गया, तो ये नहीं कहेंगे फलाने को ले जाओ, उस नाम से नहीं पुकारेंगे, बॉडी को ले जाओ। तो नाम तो वही था, सब कुछ वही था, तो परंतु क्या कहेंगे? बॉडी को ले जाओ। क्या फर्क पड़ा, क्या अंतर हुआ? आया तो नाम से आया और फिर कहेंगे बॉडी को ले जाओ। पहले कहा कि ये व्यक्ति आया है और फिर कहेंगे बॉडी को ले जाओ, तो अंतर क्या पड़ा? वो चेतनता खत्म हो गई, चली गई। तो बाबा कहते हैं शरीर से आत्मा अलग है, आत्मा परम धाम की रहने वाली है। आत्मा शरीर में आती है तो उसे मनुष्य कहा जाता है। शरीर मिलता ही है कर्म करने के लिए, एक शरीर छोड़ फिर दूसरा शरीर कर्म के लिए लेना है। शांति तो तब हो जब शरीर में नहीं है, मूल वतन में तो कर्म होता ही नहीं है। सूक्ष्म वतन में होता है कर्म, बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं। सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है, बाप और सृष्टि चक्र को जानना इसको ही नॉलेज कहा जाता है। तो सूक्ष्म वतन क्या है? सूक्ष्म वतन में न सफेद पोषधारी, न सजे सजाए, न नाग बलाए पहनने वाले शंकर आदि होता है। तो क्या होता है? न सफेद वस्त्रधारी, न सजा सजाया वस्त्रधारी, न नाग बलाए पहना हुआ शंकर। तो बाकी क्या होता है? बाकी ब्रह्मा और विष्णु का राज बाप समझाते रहते हैं। ब्रह्मा यहाँ है, विष्णु के दो रूप भी यहाँ है। तो क्या है सूक्ष्म वचन? वो सिर्फ साक्षात्कार का पाठ ड्रामा में है। सब चीज में तो है ही नहीं सूक्ष्म वचन, वो सिर्फ साक्षात्कार का पाठ ड्रामा में है। शिव बाबा परम धाम से जब आता है तो पहले सूक्ष्म वतन रचता है और सूक्ष्म वतन रच करके फिर यहाँ आता है, क्योंकि विष्णु का साक्षात्कार सबसे पहले ब्रह्मा बाबा को कराया, फिर विनाश का कराया, स्थापना का कराया, तो सूक्ष्म वतन का ही तो कराया ना, उस रूप से ही तो कराया। तब तो यह साकार की तो बात ही नहीं, साकार में तो नहीं है। तो बाबा कहते वो तो साक्षात्कार का पाठ ड्रामा में है, जो दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। क्रिमिनल आंखों से पवित्र चीज दिखाई न पड़े, पवित्र चीज इन क्रिमिनल आंखों से तो देख नहीं सकते, या संसार की कोई चीज नहीं देख सकते। दिव्य दृष्टि से ही वो स्वर्ग भी देख सकते हैं, विष्णु को भी देख सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अपने आप को सदा स्वयं रखने के लिए बुद्धि को विचार सागर मंथन में बिजी रखना है। अपने आप को सदा सेफ रखने के लिए बुद्धि को विचार सागर मंथन में बिजी रखना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। झरमुई झंगमुई में अपना समय नहीं गंवाना है। दूसरा, शरीर से डिटैच रहने की पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं वो पढ़नी है। शरीर से डिटैच रहने की पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं वो पढ़नी है। माया के फोर्स से बचने के लिए अपनी
अवस्था अचल अडोल बनानी है। वरदान, एक बाप के लव में लवलीन हो, मंजिल पर पहुंचने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। एक बाप के लव में लवलीन हो, मंजिल पर पहुंचने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। बाप दादा बच्चों को अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। ये मार्ग मेहनत का नहीं है, सहज में गोद में बिठाए कोई आप ले जाए तो सहज मार्ग है। ये मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन जब हाईवे के बजाय गलियों में चले जाते हो या मंजिल के निशाने से और आगे बढ़ जाते हो, कई बार होता है ना पहुंचना जा रहे हैं रास्ता भी यहीं जाना है, आगे चले गए, अब मालूम पड़ा बाद में अरे ये तो पीछे रह गए, हम तो आगे चले गए, तो फिर वापस कैसे आए, तो कितना दूर जाना पड़ता है तब मुड़ सकते हैं तब वापस आ सकते हैं। तो बाबा कहते हैं मंजिल के निशाने से और आगे बढ़ जाते हो तो लौटने की मेहनत करनी पड़ती है। गलियों में भी चले गए फिर वो रास्ता तो मिला नहीं, फिर वापस आना पड़ता है। मेहनत से बचने का साधन है गलियों में मत जाओ और आगे भी मत चले जाओ, तो मेहनत से बचने का साधन है एक की मोहब्बत में रहो। एक बाप के लव में लीन होकर हर कार्य करो तो और कुछ दिखाई नहीं देगा। सर्व आकर्षणों से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन, अपनी खुश नसीबी का अनुभव चेहरे और चलन से कराओ। अपनी खुश नसीबी का अनुभव चेहरे और चलन से कराओ। कैसे होगा खुश नसीबी का अनुभव चेहरे और चलन से, इस पर सोचना जीवन और अंदर।